स्ट्रीट स्टाइल समोसे की रेसिपी जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही समोसे बनाना सिखाऊंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे जो बहुत कुरकुरे और बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं आपको समोसा बनाने की पूरी रेसिपी दूंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरा वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें। इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आप भी बहुत जल्दी बना लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ सामग्री ले ली है। यहाँ हमने आलू ले लिए हैं, इसको हम बारीक कट कर लेंगे। साथ ही में यहाँ हमने हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, राई, अदरक किसा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, यहाँ हमने जीरे ले लिए हैं, साथ ही में यहाँ हमने मोटी सौंफ ले ली है और साथ ही में यहाँ हमने दो लाल मिर्च ले ली हैं। अब हम तड़का बनाएंगे। अब हमने एक आलू ले लिया है, इसको हम ऐसे पीस से कट कर लेंगे और अब हम ऐसे घुमा के भी एक कट और लगा लेंगे। ऐसा देखिए आप, ऐसा शेप आ जाएगा और हम ऐसा बारीक बारीक पूरे में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको ऐसे कट करेंगे बारीक। ऐसे ही हम सारे आलू को कट कर लेंगे। आलू कट चुके हैं, अब हम इसमें पानी डाल के इसको दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और ऐसे ही हम सारे आलू काट के ऐसे ही वॉश कर लेंगे। अब हमारे सारे आलू कट भी चुके हों और हमने इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, अब हम इसको तड़का लगाएंगे और इसकी सब्जी बनाएंगे बहुत अच्छी। अब हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये सौंफ डाल देंगे, साथ ही में अब हम इसमें जीरे डाल देंगे और साथ ही में हम राई को डाल देंगे और ये हरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको तड़क जाने देंगे। तड़क जाने के बाद हम इसमें ये कटा हुआ अदरक डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हो जाने देंगे। हो जाने के बाद थोड़ी सी हींग डाल दें। अब हम इसमें कटा हुआ आलू डाल देंगे, ये जो हमने काट के रखी थी, काट के और धो के हमने सारे आलू डाल दिए हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से भुन जाने देंगे। जब तक ये भुन नहीं जाएगा तब तक उसके बाद मसाला डालेंगे भुजने के बाद। इसको ऐसे चलाते हुए पका लेंगे और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक। अब हमने इसको अच्छे से चला दिया है, अब हम इसको 5 मिनट ढक कर पकाएंगे, फिर चला के देखेंगे। अब इसको 10 मिनट पकते हुए हो गया है, अब हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे कि आलू पक गया है कि नहीं। हाथ से दबा के आलू पक चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। एक बार इसको हल्का से चला लेंगे और अब हम पहले इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, साथ ही में अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही में इसमें हल्दी पाउडर और गरम मसाला का पाउडर और इसको अच्छे से मिला के भूज लेंगे खुले में, ढकेंगे नहीं है। आलू में मसाला अच्छे से मिल चुका है, अब हम ये बन चुका है, अब हम इसमें धनिया से गार्निश कर देंगे। अब हम मैदा बेल के समोसे भरेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे धनिया को। ये मैदा माड़ेंगे, इसके लिए हमने आधा 1 किलो मैदा ले ली है। अब हम पहले इसमें मौन लगाएंगे, अब हम यहाँ बीच में एक होल कर देंगे। पहले हम थोड़ा सा तेल डालेंगे अंदाज से। अब हमने मैदे में तेल को अच्छे से मिला दिया और हमारा मौन अच्छे से लग चुका है। आप देख सकते हैं ऐसे हाथ की मुट्ठी बनना स्टार्ट हो गई है और ये फूट भी नहीं रही जल्दी। आप भी ऐसे ही मुट्ठी जब तक बंधे ऐसा मौन लगाएं और अब हम इसको
अब हम इसमें मौन लग चुका है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही में अब हम इसमें कराइल और अजवाइन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसमें अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और भूनते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डल जाएगा और ये सॉफ्ट होगा तो वो कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे समोसे। अब हमारा मैदा मर चुका है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है। अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम इसको बेलेंगे और समोसे भरेंगे। अब हमने भी मैदा ले लिया है, इसको रखे 10 मिनट हो गया है, इसको हम आधा तोड़ लेंगे और इसको लंबा करते हुए लंबा कर लेंगे। ये लंबा हो चुका है, अब हम एक चाकू लेंगे, इसकी सहायता से इसकी लोई काट लेंगे। ऐसे ही हम सारी लोई काट लेंगे, फिर बेलेंगे। अब हम एक लोई लेंगे, इसको पीस के ऐसे दबा देंगे, इसको ऐसे लंबा। अब हमने इसको बेल लिया, ऐसे ही आप भी लंबा बेलें और इतना ही मोटा रखें, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इतना ही पतला रखें जितना मैंने रखा है। अब हम एक चाकू की सहायता से इसको पीसे काट देंगे और ऐसे ही हम सारे बेल लेंगे। अब हम उसका एक हिस्सा लेंगे और उसको हाथ पे ऐसे रखेंगे, देखिए ये अंगूठे से यहाँ रखना है, ठीक है। और फिर इसमें हम हल्का सा ऐसे पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद इसको ये जो अंगूठे वाला हिस्सा है इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे, कोन जैसा बना देंगे। और इसको अब ऐसा बन चुका है, अब हम इसको अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे। अब हम जो आलू ठंडे हो गए हैं इसकी फिलिंग करेंगे, इसमें ना ज़्यादा कम आलू भरें ना ज़्यादा भरें, बराबर मात्रा में भरें, ठीक है। अब ये आलू भर चुके हैं, अब हम इसके चारों तरफ ऐसा पानी लगा लेंगे और जो ये वाला हिस्सा है इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। बस आप देख सकते हैं कितना अच्छा समोसा बना है, आप भी ऐसा समोसा बनाएं और बहुत अच्छा बन जाता है समोसा। अब हमने फिर से एक और ले लिया, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि यह जो आपका अंगूठा है इसके ऐसे रखेंगे, इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी जरूर लगाएं ताकि वह खुले ना तेल में, और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ के चिपका देंगे और फिर इसको ऐसे रख लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग भर देंगे आलू की जो हमने बनाई है, इसको भरने के बाद हम फिर से पानी लेंगे और इसके चारों तरफ अच्छे से पानी लगा के अब इसको एक हिस्सा ऐसा लेंगे और मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको हम अच्छे से दबा के चिपका देंगे ताकि ये तेल में फटे ना। आप देख सकते हैं कितना अच्छा समोसा बना है, जैसा बाजार में मिलता है। अब हम इसको सेकेंगे। अब हमने सारे समोसों को भर लिया है, अब हम डीप फ्राई करेंगे इनको। अब हमने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गरम हो गया है, हमने इसको थोड़ा मीडियम गरम किया है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा ठंडा गरम करेंगे, और ज़्यादा तेज तेल में समोसे को नहीं डालेंगे नहीं तो वे जल जाएंगे। अब हम समोसा डालेंगे, हमने गैस को मंदा कर दिया है और हम समोसे को ऐसे उल्टे करके डालेंगे। समोसे डालने के बाद तुरंत झरिया ना लगाएं। अब हम झरिया से नहीं, हम ये चाकू की सहायता से इनको उल्टे। अब ये एक तरफ सिक गया है, अब हम इसी चाकू से इसको ऐसे पलट देंगे। ऐसे पलट देंगे, चाकू से ही पलटे, झरिया ना लगे। ऐसे हम सारे को पलट देंगे और ऐसे पलटा पलटा के सेक लेंगे।
अब हमने इसको पलटाते पलटाते हुए सेक लिया है। अब हम इसको तेल से निकालते हैं। अब हमने समोसों को सर्व कर दिया है, साथ ही में हमने यहाँ इमली की खट्टी खटाई रखी है, इसके साथ खाएं बहुत टेस्टी लगता है, एकदम बाजार के जैसे बना है समोसे। गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार बनाकर जरूर देखें और बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयार हैं खाने के लिए, आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।